Namaskar parents, good morning kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. My name is Shula Sachpal and today we are going to learn our GK subject. Okay, so first of all, let's start our prayer. Let's start our session with the prayer. Okay, so join your hands and close your eyes. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, wonderful love. God's wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So okay, so did you remember?
ये क्या है? ये क्या है? फिश। ये क्या है? फिश। हमने फिश भी बनाई थी, राइट? डिड यू रिमेम्बर और नॉट? यस। सो ये सब कहाँ रहते हैं? स्टार फिश है, फिश है, ऑक्टोपस है, फिर क्या है? सी डॉल्फिन है। ओके, ये सब लोग कहाँ रहते हैं? यस, दे ऑल आर लिव्स इन अ वाटर। दैट्स व्हाई वी कॉल देम वाटर एनिमल और सी क्रिएचर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन शोइंग बाय। ओके, सो नाउ टेल मी which water animal is this? Which water animal is this? Did the dolphin. And मैंने कल आपको बताया था ना कि डॉल्फिन तो हमारी प्यारी सी फ्रेंड होती है। ओके, वो हमारे साथ खेलती है, सेल्फीज लेती है। ओके, एंड देन ऑल्सो डॉल्फिन में भी हमें जो इमोशंस होते हैं वो सभी इमोशंस होते हैं। वो गुस्सा भी होती है, वो हैप्पी भी होती है, वो क्राई भी करती है। ओके, और हमारी बातें भी अंडरस्टैंड कर सकती है। ओके, एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी डॉल्फिन के साथ जो खेलते हैं उसके। डॉल्फिन हमारे साथ सेल्फीज लेती है। ओके, देखो ये क्या है? देखो ये क्या कौन है? डिड्डा डॉल्फिन। देखो डॉल्फिन कैसे इसके साथ सेल्फी खिंचवा रही है। ओके, देन डॉल्फिन क्या खाती है? स्मॉल फिशेस। ओके, तो सी ये उनको स्मॉल फिश भी खिला रही है, देखो। ओके, एंड देन सी डॉल्फिन खेल भी रही है इनके साथ, है ना? डॉल्फिन हमें कुछ नहीं करती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एस स्टारफिश। ये क्या है? एस स्टारफिश। ओके, नेक्स्ट डब्ल्यू व्हेल। ओके, वेल डरावनी होती है, हाँ, वो हमें खा जाती है। सो नेक्स्ट टिट्टा टर्टल। ओके, सो डिड यू नो दैट ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वॉटर? मतलब जैसे हमें यहाँ पे जो फ्लोर पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उस एनिमल्स में से एलिफेंट क्या है? बिगेस्ट एनिमल है। ओके, वैसे ही वाटर में सबसे बड़ा जो एनिमल है, जो मैमल है, वो कौन है? ब्लू व्हेल। ओके, ब्लू व्हेल। नाउ नेक्स्ट सिक्का क्रैब। क्रैब हमें काट लेता है। ओके, सिक्का क्रैब। नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ ऑक्टोपस। एंड डिड यू नो दैट ऑक्टोपस हैव एट लेग्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टोपस है 8 legs। ओके, नेक्स्ट एफ फिश। ओके, ये स्मॉल फिश है। वैसे छोटी बड़ी बहुत सारी रंग बिरंगी कितनी अच्छी अच्छी फिशिश भी होती है। ओके, वाटर में। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द एस शी हॉर्स। ओके, ये क्या है? शी हॉर्स है। एक हॉर्स होता है जो जमीन पे रहता है और जो डोमेस्टिक एनिमल है, और ये हॉर्स है जो वाटर में रहता है और वाटर एनिमल है। ओके, एस शी हॉर्स, एफ फिश, ओ ऑक्टोपस, नेक्स्ट सिक्का क्रैब,
capsicum, crab. Next, teeter, turtle, teeter, turtle. Next, W, whale. Okay. Next, S, starfish. Okay. Next, and the last, teeter, dolphin. Okay. So now, let's start our today's class. Okay, number five. Out your Disney Learning Picture Dictionary, Disney Learning Picture Dictionary, and page number 58. So let's see the Nemo and Dory's water friends. So हम भी Nemo और Dory के water friends के साथ मिलते हैं. Okay. So start with Stingray. ओके, ये सभी डिफरेंट टाइप के वॉटर एनिमल्स है जो सिर्फ अपनी आपकी नॉलेज के लिए है. ओके, सो नेक्स्ट इज कोरल, सी का कोरल. ओके, नेक्स्ट इज एस शार्क. ओके, नेक्स्ट इज ऑटर. नेक्स्ट इज स्टारफिश. ओके, नेक्स्ट डिड डॉल्फिन. नेक्स्ट, देखो जैसे हमारा वाइल्ड एनिमल लायन है वैसे ही ये शी लायन है. क्या है? सी लायन है. ओके, एस सी लायन. पर वो वॉटर एनिमल का किंग नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट जेलीफिश. ओके, नेक्स्ट एस सी हॉर्स. नेक्स्ट टिट्टा टर्टल. ओके, नेक्स्ट, देखो ये ऐसा हाफ कट हो गया है पर ये क्या है? डब्ल्यू वेल. ओके, नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लाउन फिश, सिक्का क्लाउन फिश. मैंने बोला था ना आपको कि वाटर में तो बहुत सारे टाइप की फिश होती है, छोटी बड़ी, और सभी के डिफरेंट नेम्स होते हैं. ओके, सो ये कौन सी फिश है? क्लाउन फिश. नेक्स्ट ऑक्टोपस. नेक्स्ट एस सील. ओके, नेक्स्ट सिक्का क्रैब. एंड नेक्स्ट एस स्क्वीड. सी, इट्स लुक लाइक ऑक्टोपस, बट ये ऑक्टोपस से डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्क्वीड. ओके, सो हाउ मेनी वॉटर एनिमल्स वी सी इन द पिक्चर डिक्शनरी? लेट्स सी अगेन. Stingray, coral, shark, otter, starfish, dolphin, sea lion, jellyfish, seahorse, turtle, next, whale, clownfish, octopus, seal, crab, and squid. Okay, so now take out your term 2 nursery GK worksheet, and page number
page number 8. Okay, so this is your class homework. Okay, this is your homework. So mention your homework and today's date. And page number 9 is in your classwork. So mention your classwork and today's date. First of all, let's do a classwork. Okay, so circle the water animals. They are few animals. Okay, so we find one of them. Sorry, we find few animals. Some of them animals which is lives in water. Okay, like start with squid. Okay, I'll show you now in picture dictionary that squid is a water animals. Okay, water animals. So circle it. Okay, next is a starfish. Starfish also water animal. Yes, then circle it here. Next is a picture of a butterfly. Butterfly is a water animal. Yes or no? No, butterfly is not water animal. Okay, so don't circle here. Next is a picture of a shark. Shark is a water animal. Yes or no? Yes. So circle here. Next is a picture of a mouse. Mouse is a water animal. Yes or no? No. Mouse is not water animal. Okay. Next is a picture of a parrot. Parrot is a bird. It is not a water animal. Okay. Next is a picture of a seahorse. Okay. So seahorse is a water animal. Then circle it. Next is a picture of a dog. Dog is a water animal? No, dog is a domestic as well as pet animal. Okay, so squid, starfish, shark, seahorse, they all are water animal. So our today's classwork, which is page number 9, is done. Okay, so now take out page number 8. Okay, उसमें क्या किया दिया गया है आपको? Color the sea creatures. आपको sea creatures में color करना है. Okay, this is your homework. So your homework, it means you done by yourself. Your homework, it means you done by yourself. Okay, starfish different colors की होती है आपको. Okay, so आपको जो भी color पसंद आए वो आप color कर सकते हो. Okay, बाकी जो आपके picture dictionary में दिया गया है उनकी help से भी आप इसमें colors कर सकते हो. Okay, but be careful, ऐसे बाहर नहीं color जाना चाहिए. Okay, so this is your homework. Page number 9 is in your classwork, 8 is in your homework. So your today's classwork and homework, classwork page number 9 in worksheet in GK term 2 worksheet. Okay, in homework page number 8 in worksheet. Namaskar, thank you.